हिंदुस्तान में क्रिकेट भी एक धर्म है, जहां क्रिकेट लोगों की रगों में बसता है। 1 अरब की आबादी वाले इस देश में गांव गांव गली गली क्रिकेट खेला जाता है। यहां क्रिकेट जिस जुनून से खेला जाता है उसके दुगने जुनून से देखा जाता है। क्रिकेट को कुछ लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं और कुछ उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। आजकल सुविधाओं का अभाव नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभावान खिलाड़ी आज हमें पूरे हिंदुस्तान में नजर आते हैं। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। हर आग धोनी के ऊपर थी, हर दिल की धड़कन बढ़ गई थी और धोनी के शानदार 6 रन के साथ भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। उस रात हर सितारा आसमान से उतरकर जमीन पर चला आया भारत की उस शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए। लेकिन एक शख्स जो लगातार 40 सालों से सड़कों पर ही है, चला जा रहा है निरंतर पैदल, उसे कोई नहीं जानता। बैतूल एक तरह से हिंदुस्तान का दिल है। जैसे हिंदुस्तान का मध्य भाग मध्य प्रदेश है, वैसे मध्य प्रदेश का मध्य बैतूल। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा यह छोटा सा खूबसूरत शहर एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र। लगभग आबादी का 29% यहाँ पे आदिवासी बहुल एरिया है और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर कि रोड और अन्य सुविधाएं, पानी बिजली, इन सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी मिस्टर नागेश अवस्थी वहाँ पर जाकर बच्चों को जो क्रिकेट के प्रति समर्पित है उनको इंस्पायर करते हैं और उनको मोटिवेटेड करके उन्हें खेलने के नए नए टिप्स देते हैं। हम जिस लीजेंड की बात कर रहे हैं उसका सफर इसी बैतूल शहर से शुरू हुआ, जब यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। बच्चों को हम यही शिक्षा देते हैं कि 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए निकालना चाहिए, जिससे शरीर के साथ मन स्वस्थ होता है और दिमाग आपका तेज होता है। यदि खेल खेलते रहेंगे तो आपको कितनी सी बड़ी कितनी कठिनाई आए आप अच्छे से हंसते हुए उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि तो खेल में सब दौरों से गुजरना पड़ता है। नागेश अवस्थी बचपन से मैं उनको देखते आया, बहुत जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। वो घर में भी इन्होंने अपना एक बाल पेड़ के ऊपर टांग के वहाँ भी प्रैक्टिस करते रहते थे।
और लंबे समय तक उनका यही चलते रहा, उन्होंने शादी नहीं की और इसके बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन खेल को समर्पित कर दिया। नागेश अवस्थी, मेरे दिमाग में ये ख्याल इसलिए आया, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैं कई सालों से नागेश अवस्थी जी को देख रहा हूँ। समर्पित है वो आदमी मैच के लिए, क्रिकेट के नाम पर, और मैं समझता हूँ कि आज क्रिकेट की जो स्थिति उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जुनून है उनके ऊपर क्रिकेट का, उनको कुछ करना है क्रिकेट में, इस कारण कई लोग समझते हैं उनको ऐसा कि संगी है ऐसा, मगर ये गलत है। जिस वक्त मैं उन्हें देखा करता था उस वक्त उनकी उम्र थी 40 से 45 के बीच में, बाहर ले जाकर उनको खिलाऊं, बैतूल के नाम से लोगों को जानने लगे कि क्रिकेट की टीम बैतूल में नागेश अवस्थी जी ने बनाई है, वो कहीं भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे। आज उनके लिए खाना, रहना, सोना, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, परिवार, ये सभी चीज़ें उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। यदि वो खड़े हैं तो समझ लीजिए कि उस जगह पर क्रिकेट ही है और दूसरा कुछ तो हो ही नहीं सकता। मैं उस बंदे की लगन को देखता था, उसके डेडिकेशन को देखता था, वो किस डेडिकेशन से काम करता है, जीतने या हारने के लिए नहीं, सिर्फ पाने के लिए नहीं, उसका एक जुनून उससे काम करवाता है। ये बातें उस समय मैं नहीं समझता था। अभी हाल है कि दिनों की बात है, अभी 2-3 महीने पहले अप्रैल मई 2014 मैं दिल्ली में था अपने एक फिल्म इंस्टीट्यूट के सिलसिले में, तो राखी आने वाली थी, तो मेरी बहन है केशिया मलाजपुर बैतूल के पास एक गांव है वहाँ, तो उनका मुझे कॉल आया और राखी के सिलसिले में हमारी बातें हो रही थी, तू कब आएगा क्या आएगा, तो उन्होंने ज़िक्र किया कि वो नागेश अवस्थी आए थे यहाँ और वो हमसे ऐसे गिड़गिड़ाते हैं कि हमें 2 बच्चे दे दो 4 बच्चे दे दो हम उन्हें क्रिकेट सिखाएंगे, और बोले वो पैदल चले आते हैं, फटे जूते, फटा पैंट, फटा शर्ट। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस बंदे की उम्र उस समय जब मैंने छोड़ा था 40 से 45 के करीब थी, और ये 16, 17, 18 साल जब मैं मुंबई में रहा हूँ, मतलब इस बंदे की एज आज 60 साल से कम नहीं होगी। तो जब मैंने ये अपने आप से वापस कनेक्ट किया, वापस उन्हीं यादों में गया, मैंने कहा ये इंसान आज तक कैसे क्रिकेट के पीछे इस तरह पागल हो सकता है। मैं ये जानता था वो एक अधेड़ उम्र तक पॉसिबल है कि आप एक जुनून को इतना फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र तक और उसी शिद्दत से कैसे उस आदमी के अंदर वो जुनून जिंदा है अब तक, ये मुझे जानना था कि कोई इंसान कैसे जिंदगी का 40 साल एक ऐसे गेम के पीछे लगा देता है जहां से उसे आज तक कुछ नहीं मिला। अगर वो पीठ घुमाए तो लोग शायद उसका मजाक बनाते हैं, वो क्या जुनून है, वो कौन सी ताकत है उसके अंदर।
गाड़ी से 5 बजे बैतूल से कुछ 8 किलोमीटर दूर उर्दन एक छोटा सा गांव है, वहां पहुंचे जहां पे वो रहते हैं। एक घर अजीब खंडहर सा, जिसके आजू बाजू सिर्फ झाड़ झंकाड़ और बड़ी डरावनी और भयावह जगह थी। हमने आवाज़ दी, वो निकल के आए, वो जाग चुके थे। वहाँ लाइट नहीं थी और ऐसी जगह थी जहाँ से कभी कोई बिच्छू आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई जानवर घुस जाए, ऐसी जगह पे वो रहते हैं। कागज़ बिखरे हुए हैं और हर कागज़ पे कहीं फील्डिंग का नक्शा, कहीं ड्राइंग, कहीं बैट, मतलब उस घर में सिर्फ क्रिकेट। उनके बेड पे, ज़मीन पे, किचन में, बाथरूम में, हर जगह क्रिकेट। लोग आज रिलेशनशिप में कहीं धोखा खा लेते हैं, दुख होता है उन्हें, वो सामने वाले को भला बुरा कहने लगते हैं, ज़माने में गालियाँ देते हैं, धोखेबाज कहते हैं। वहीं नागेश अवस्थी को जब मैं कंपेयर करूं, तो मुझे लगा कि असल मोहब्बत इसे कहते हैं। मोहब्बत पाने का नाम नहीं है, मोहब्बत खो देने का नाम है। उन्होंने खो के मोहब्बत की है, पा के मोहब्बत नहीं की। वो स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी पाने के लिए मोहब्बत करता है, दीवाना खोने के लिए मोहब्बत करता है। और वो दीवान की उनकी है, वो एक सच्चाई है, वो झूठ नहीं है। न जाने कितने सपने अब तक संजो रखे हैं, अब तक उनके दिमाग में वो सपने चल रहे हैं। मैं ऐसा करूँगा, मैं ग्राउंड बनाऊँगा, बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट मिलेगा, मैं इस तरह का क्रिकेट करूंगा, ऐसे खिलाड़ी आएंगे बैतूल में, इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे, सिर्फ क्रिकेट। जब 5 बजे उनकी सब दशा हमने देखी, कैसे रह रहे हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, घर में लाइट नहीं है, पानी लेने बाहर जाना पड़ता है, वो लेके आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना बनाने का कोई इंतज़ाम घर के अंदर नहीं है, कभी खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, किलोमीटरों से पैदल चले जा रहे हैं, किसी ने हेल्प कर ली तो ठीक है, ना कर ली तो पैदल निकल गए, 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। 60 साल की उम्र में सिर्फ लोगों को क्रिकेट सिखाने के लिए। वो बूढ़ी आँखें जो धस गई हैं अंदर, उनमें मैंने दुख नहीं देखा, तलाश देखी है, वो आंखें ढूंढ रही हैं कुछ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दैट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम, एंड सीइंग हिज लाइफ एंड व्हाट यू हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट एंड आल्सो व्हाट ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल सोशल पैरामीटर्स और सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ हाउ अ पर्सन शुड लिव, व्हाट शुड बी हिज लाइफस्टाइल, हाउ सक्सेसफुल ही शुड बी, how much money should he earn, should he be considered to be a hero or a role model, then definitely I would call him a failure. But if I talk about a pursuit of one's passion, or if I talk about doing what you want to be, if I talk about being with yourself and being true to what you want to do and achieve, I think he's definitely a success. He is success a way beyond what others can understand. How many people do you think can actually follow their passion? They can actually do what they want to in spite of not being accepted for it. I think he's a very courageous man. If he loved cricket, he loved it. If he wanted to be in it all the time, live it, breathe it, irrespective of
what he was able to achieve. I think it's brilliant. Even if we talk about the highest realms or sadhus, what they talk about, or even love. They say love is giving and love is not expecting anything. And if we talk about Gita and what they talk about karma, that you keep doing your best irrespective of what you get in return. So in that aspect, I think he's definitely a success. उनका सोना रहना खाना सब कुछ क्रिकेट है उनके मतलब इस समय जहां वो रह रहे हैं उस जगह यदि अपन देखेंगे तो एक दिन नाग देवता भी उनके पलंग के नीचे पहुंच गए थे और वहां जो सर्वेंट था बाहर से वो आवाज़ दे रहा था कि भैया आपके पलंग के नीचे वो बैठा हुआ है तो ये पलंग के ऊपर आराम से बैठे हुए थे रहने दे तू चिंता मत कर वो खुद ही चला जाएगा थोड़ी देर में तो इस तरीके से यानी उनको किसी चीज़ से डर भी नहीं है कि वो अकेले फील्ड में कहीं जा रहे हैं खेत में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जान का खतरा हो सकता है तो उससे भी वो डरते नहीं हैं बस उनको ये है कि मैं अच्छी तरीके से लोगों को समझा सकूँ उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ आपका डेली रूटीन क्या है हाँ डेली रूटीन में उनको मॉर्निंग से 5 बजे उठना फ्रेश होकर तैयार होकर ग्राउंड पर पहुँचना बच्चों को देखना फिर उसके बाद ऑफिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट है तो उसका लिखा पढ़ी करना जहाँ जहाँ मैदान कमज़ोर है वहाँ के मैदान तैयार करना सुधार करना इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयारी करनी इनको यहाँ से कोऑपरेशन मिलता नहीं ये अपने प्लानिंग बना बना के देते हैं कलेक्टर्स को स्कूल में शिक्षा विभाग में पर उसको एप्लीकेबल नहीं होता है इनकी इच्छा बहुत रहती है कि मैं ये करवा लूँ मैं वो पिच बनवा लूँ मैं टीम अच्छी उतारूँ लोग गवर्नमेंट से हेड मिले पर वो कुछ ये लिख लिख के रह जाते हैं और कागज बन के इनके पास बंधी हुई फाइलें बंधी हुई पर कहीं वो भेज नहीं पाते लिख लेते हैं मन में सोचते हैं कि यार मैंने भेज दिए अब कुछ दिन में आने वाला है और बड़ा अच्छा स्टेडियम बनने का और ये होगा वहाँ स्विमिंग का भी अलग पूरा स्टेडियम वगैरह ये वो उनके दिमाग में प्लानिंग ही चलती रहती है मैं उस आदमी की हालत को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया पैसों की उनके घर में या उन्हें उनके परिवार को कोई कमी कभी नहीं रही इस आदमी ने अपनी हालत ऐसी क्यों कर ली क्या कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है क्या है ऐसा जो इस आदमी को इस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है डिप्रेशन दिखाई नहीं देता हम लोग जानते हैं क्योंकि नॉर्मली हम लोग कहेंगे कि वो जिस नॉलेज के में जानते हैं जितना नॉलेज उन्हें है वो नॉलेज हमारे पास नहीं है तो ऑब्वियसली उनका जो नॉलेज जब वो बोलना शुरू करते हैं वो स्टॉप नहीं करते हैं अपने आप को और वो चीज़ हमारे लिए हैवी होती जाती है बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लिसनिंग ऑल दोज थिंग्स तो जानती हूँ उनका नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा है वो हर चीज़ को काफ़ी डीप तक डीपली सोच लेते हैं हम लोग उतना डीपली नहीं सोच पाते हैं हम लोग एक लिमिट के पास सोचते हैं अरे छोड़ो यार हो गया बट उनके साथ ऐसा नहीं है वो हर चीज़ को एक्सट्रीम लेवल तक जानते हैं डिप्रेशन का अपन कहेंगे तो डिप्रेशन तो मेरे ख्याल से नहीं है वो एक जुनून है जो उनके ऊपर हावी है कि मैं क्रिकेट में ही हूँ मेरा पलंग कैसा है आज अपन देखेंगे किसी के घर में भी जाने के लिए कोई मेहमान आ रहा है तो वो पहली कोशिश ये करेगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा होना चाहिए मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा है तो दरवाजे के अंदर आते से उसको ऐसा दिखना चाहिए ऐसा लुक होना चाहिए हम इन चीज़ों को महत्व देते हैं उनके लिए इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं उनके लिए तो वो जो रह रहे हैं वही सबसे सही है वो ग्राउंड में क्या बच्चा करके दिखाएगा जो खेल रहा है बच्चा क्रिकेट खेल रहा है या कोई भी चीज़ है वो कैसे परफेक्ट होगी वो उसको बताना चाहेंगे कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते हैं या घर के घर संभाल लेगा या खुद खाने पीने की कुछ चिंता नहीं कि दो पैसे कुछ कमा लें या कुछ बिजनेस का जबकि LLB भी पढ़े हैं फैक्ट्री डाले हैं फैक्ट्री भी बंद हो गई LLB की हैं तो मतलब मुझे काला कोट नहीं पहनना मैं वकालत नहीं करूँगा हमारे यहाँ पुस्तैनी वकालत की प्रैक्टिस चलती थी वो आराम से ये संभाल सकते थे बट क्रिकेट के पीछे इतने दीवाने थे तो इन्होंने वो कुछ भी नहीं किया और ना ही क्रिकेट में अंदर और आगे बढ़ सके इंदौर में जहाँ ये जब रहे इंदौर में प्रैक्टिस करते थे जब कपिल देव के साथ उन्होंने टास्क किया अरविंद कुमार पांडे इंदौर में क्लब के मेम्बर थे
ये भी चाहते थे कि उसी तरीके का मैं यहाँ करूँ, कि यहाँ मैं क्लब बना लूँ, बड़े बड़े लोगों को जोड़ूँ, पर कोई जोड़ने को तैयार नहीं। पर ये प्लानिंग ही भर करके रह गए, गलत डिसीजन हो गया था बैतूल का। अगर ये इंदौर में ही रहते तो हम धीरे से, अगर ऊपर वहाँ भी लोग अपने आप बढ़ने के चांसेस रखते थे, ये उसी उसमें पीछे रह गए, ये उतना नहीं कर पाए इतने आपको आगे बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, ये उसी तरीके से रहे। फिर उन्होंने सोचे कि मेरे को उधर चांस नहीं, तो मैं एक अलग टीम बना के गाँव से निकलूँ और आगे जाके नाम कमाऊँ, तो फिर मैं आगे जा सकता हूँ। क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया क्रिकेट के लिए? दोस्तों की फ्रेंड सर्कल जिसको कहते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन, उनका लगाव और उनका सहयोग। सहयोग जैसा कि बचपन में सभी खिलाड़ियों को मिलता है एक दूसरे से, और आगे बढ़ने का इंस्पायर भी करता है, वही एक माध्यम था सबका सहयोग। आपने किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा तब आपने क्रिकेट खेलने का सोचा, या ऐसा कुछ था कि टीवी में कोई मैच देखा तब आपने क्रिकेट खेलने के लिए? उस समय जो टीवी वगैरह वही नहीं करते थे, जो कुछ भी था ग्राउंड पे जाना, ग्राउंड पे जैसे फुटबॉल या गिल्ली डंडा चलते रहते थे, गिल्ली डंडा के बीच में कोई क्रिकेट वाला आ गया बैठ के, तो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद फ्रेंड सर्कल जैसे बड़ी आगे बढ़ा कि चलो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सिखाने वाला तो कोई था नहीं, जी जो भी था नेचुरल स्वाभाविक खेलता, जैसे उसका एक संबंध दूसरे खेलों से भी जो था, जिससे दूसरे खेल जैसे वो लकड़ी वाला खेल खेला जाता था, खड़ा गेंद खेला जाता था, वो उसी टेक्निक के आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाता था खिलाड़ियों का, कि चलो टीम में चलना है अपने को। फिर उसके बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मैच होते थे, बारिश में भी खेले, गर्मी में भी खेले, ठंड में भी खेले। सक्सेस हुए नहीं है, अपन नहीं कह सकते ये चीज सक्सेस, तो उनकी नजरों में सक्सेस है। ही इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज एनीवन हु वांट्स टू मीट हिम वुड आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ मच हैव यू अर्नड, हाउ फेमस आर यू, हाउ मेनी पीपल नो यू, हाउ मेनी मैचेस हैव यू प्लेड फॉर इंडिया, हाउ मेनी अवार्ड्स डिड यू गेट। ही इज नॉट अ सक्सेस। इफ वी टॉक अबाउट Did you do what you wanted to? Are you living the way you wanted to live? Are you trying your best? Does that give you satisfaction? You've come back to your small town of Betul. You are trying to inspire the children to become cricketers. You are trying to create an awareness. You are trying to give them appropriate coaching. And that makes you happy. So he is a success. Why didn't you get married, sir? मेरा कुछ वो दोस्त थे उसमें, वो मेरी कुंडली वगैरह मिलती नहीं थी किसी लड़की से, ब्राह्मण समाज में तारे ग्रह नक्षत्र रहते हैं, उसके लिए कुछ पूजा वगैरह करनी पड़ती थी। पूजा मेरे को करनी पड़ती थी कि दूसरों को करनी पड़ती थी ये भी नहीं मालूम। उसमें शायद जैसे क्रिकेट में होता है ना कि आपको फास्ट बॉलर क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक क्रिकेट खेले आपने, फास्ट बॉलर अभी तक नहीं ढूंढे आपने, क्यों नहीं मिला? तो ऐसा होता है, कोई लड़की नहीं मिली, मंगली दोष रहते हैं। तो सिर्फ यही वजह है या क्रिकेट भी एक वजह है? नहीं, क्रिकेट ऐसी कोई वजह नहीं, मैं तो घूमता रहता था सब, बल्कि 50,000 शादियाँ अटेंड करा मैंने तो अपने समाज, लेकिन सहयोग सुयोग जो होता है ना, सहयोग भी बोलते हैं, वो नहीं होता। कभी कमी महसूस नहीं की सर? नहीं, ऐसा कोई लगा ही नहीं कि चलो नहीं संबंध बन रहा, तो नहीं कहीं से बात चला कि ऐसा ऐसा ऑफर आया, तो मैंने बोला देख लो, कोई बात ले दे के बात चल जाती है। कभी आपका अफेयर रहा कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में किसी से? नहीं, ऐसा है कोई खास अफेयर नहीं, बस जान पहचान दोस्ती तो सबसे रहती थी, रिश्तेदारी नाते अपने बस डिसिप्लिन के अंदर में ही रहना पड़ता था। कॉलेज टाइम ही कोई क्रश? नहीं, ऐसा कोई क्रश नहीं, मिलना जुलना सबसे ज़्यादा था मेरा तो स्पोर्ट्स के बहाने, तो स्पोर्ट्स में तो ऐसा है कि गर्ल्स की भी टीम जाया करती थी, बॉयज़ की भी जाती थी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं, खेल में मस्ती में रहते थे, खेल के आगे बढ़े। He is innocent socially. He would have manipulated his family into doing what he wanted them to do for him.
He did not, and neither he has any complaints. Maybe he could have the kind of connections he has and the way he moves in the circle, even in the small town. I'm sure if he wanted to, he could have maneuvered his way out even in Indore, and even at that point of time. ये है क्रिकेट का असली लीजेंड। लोगों ने कमाने में तमाम उम्र निकाल दी क्रिकेट के लिए। वो क्रिकेट से कमाते रहे। वो लीजेंड है। लेकिन नागेश अवस्थी, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, मेरी नजर में असली लीजेंड वो है। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा, या कहूं कि तमाम उम्र क्रिकेट को दे दी, और सिर्फ खोया है, उससे कुछ पाया नहीं है। अपना मान, अपना सम्मान, अपना धन, अपना यश, सब कुछ खो दिया क्रिकेट के लिए। कौन है क्रिकेट का असली लीजेंड? ये सवाल है मेरा। कौन सा जुनून उस आदमी को जिंदा रखे हुए है, उसके जुनून को, उसके लगन को, उसके पैशन को, उसके क्रिकेट की भावना को अब तक जीवित रखे हुए? जब मुझे कहा आबिद ने कि हाँ वो लोग तैयार हैं बाबा, और इफ यू कैन कम तो अच्छा हो जाएगा, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर वो जिस तरह के नागेश अवस्थी जी हैं, बड़े मूडी आदमी हैं, वो सिर्फ क्रिकेट की बात करना जानते हैं, आप क्रिकेट के अलावा उनसे कोई बात नहीं कर सकते। अब इंटरव्यू के दौरान भी कई बार मैंने उनसे इधर उधर की बातें करने की कोशिश की कि सर आपको गाने कौन से अच्छे लगते हैं, फिल्में कैसी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैं उनसे क्रिकेट के अलावा कोई बात करता तो वो एकदम खामोश हो जाते, चुप हो जाते। आप गाने सुनते हैं? हाँ, म्यूज़िक का तो शौक है, लेकिन कभी म्यूज़िक सीखने का प्रयास नहीं है। कैसे गाने पसंद हैं? इसमें क्या कह सकते हैं, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग्स, वो क्या कह सकते हैं उसको, उसमें रोमांटिक कर सकते हैं। कौन सा फेवरेट गाना है? गाने तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपका कोई मोस्ट फेवरेट? जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो वैसा कोई गाना जिसको आप कभी गाने बहुत अच्छे हैं, इसमें क्या आप जिसे गुनगुनाते भी हो कभी? है कोई ऐसा गीत? बहुत है, मोहम्मद रफ़ी के बहुत अच्छे अच्छे गाने। कौन सा एक आध कोई? कोई एक आध गाना जो आपको याद हो? जैसे उनके पास कोई जवाब ही ना हो। उस आदमी ने क्रिकेट को जीवन बना लिया। अगर दूसरे तरीके से देखूं तो एक भरा पूरा परिवार, करोड़ों की संपत्ति, 100 एकड़, 200 एकड़ जमीन, 6 भाई, 2 बहनें, भरा पूरा परिवार, अच्छा खासा। I would say that he is a traveler who is enjoying his process. ये बात मुझे इंटरव्यू के दौरान पता चली कि जब स्टेट लेवल के सिलेक्शन होने थे, स्टेट लेवल पे तो खेल ही रहे थे, रणजी के लिए सिलेक्शन होने थे, तो उनके साथ पॉलिटिक्स हुई, उन्हें बाहर बैठा दिया गया, बाहर बैठा दिया गया, और वो मैच भी टीम हार गई तो आगे नहीं खेल पाई। ये उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद उनको आगे के मैचेस की जानकारी नहीं दी गई, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। नेशनल टीम में इसलिए नहीं गया, रणजी ट्रॉफी था कि उन्होंने कोशिश की, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अप्रोच चलती थी, तो ये इंदौर टीम में भी यहाँ से जाने के बाद इंदौर टीम से खेलते रहे, वहाँ से भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया कि रणजी ट्रॉफी में मैं चला जाऊँ। अप्रोच वालों के हिसाब से इनका सिलेक्शन कट जाता,
बाकी पूरी तरीके से खेलते थे वहाँ, जाया करते थे ग्राउंड में, दौड़ना रनना करना ये करना, पूरी एक्सरसाइज वगैरह सब रेडी रहती थी। टीम में इंदौर में खेले भी हैं पर वो किसी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और वो थक हार के टूट के बैतूल चले आए ये एक सपना लेकर कि मुझे अगर इस तरह से इन्होंने नहीं जाने दिया खेलने, अब मैं एक बैतूल की टीम बनाऊंगा, बैतूल को एक संभाग बनाऊंगा, उसे आगे लेके जाऊंगा और फिर नेशनल टीम तक पहुंचूंगा। 60 साल की उम्र हो गई, इस दौरान उनका वो निर्णय इंडिया टीम के लिए खेलने का बदल गया। अब वो ये हो गया है कि अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं किसी को पहुंचाऊंगा, मैं बैतूल से ऐसा क्रिकेटर दूंगा जो इंडिया की टीम में खेले। नहीं नहीं कोई प्रेशर नहीं था, वो अपने ही मन से आए थे और यहाँ इंडस्ट्री डाल के वो इंडस्ट्रियल एरिया से मतलब इंडस्ट्री के लोगों को मेंबर बनाकर इसमें आगे करना चाहते थे ताकि यहाँ बैतूल के लड़कों को तैयार कर लूँ और एक अच्छी टीम लेके मैं इंदौर खेलने जाऊँ, भोपाल खेलने जाऊँ, संभाग में खेलने के लिए लेके टीम लेके जाऊँ, टीम मैनेजर जाऊँ, एज ए टीम मैनेजर अपने नाम को आगे करूँ ताकि फिर मैं वो अपने आप लोग ऊपर बुलाने लग जाए कि भाई आपकी टीम लेके आई, बहुत अच्छे खेलते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि भूखे सोना पड़ा? कई बार हो जाता। क्या होता है इसमें? कुछ नहीं होता उसमें, नींद तो और अच्छी आती है, बल्कि जब नींद में रहते हैं तो बहुत लेट हो जाता हूँ ना, जैसे 9-10 बजे खाया सो जाता। नहीं खाना, नहीं खाना, बगैर खाए सो जाते हैं। When he said that I forget that the day is going to end and there is sleeping time or there is food time, he forgets to eat, he forgets to sleep, he forgets the day is ending because he is a traveler. As I said earlier, he enjoys the process. आप अपने हर दिन को किस तरह से लेते हैं खत्म होने के बाद और फिर किस तरह से अगला दिन शुरू करते हैं? मैं तो सोचते नहीं था कि दिन खत्म होने वाला, पता ही नहीं लग पाता था। हिंदुस्तान में क्रिकेट भी एक धर्म है जहां क्रिकेट लोगों की रगों में बसता है। 1 अरब की आबादी वाले इस देश में गांव-गांव, गली-गली क्रिकेट खेला जाता है। यहां क्रिकेट जिस जुनून से खेला जाता है उसके दुगने जुनून से देखा जाता है। क्रिकेट को कुछ लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं और कुछ उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आजकल सुविधाओं का अभाव नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभावान खिलाड़ी आज हमें पूरे हिंदुस्तान में नजर आते हैं। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। हर आग धोनी के ऊपर थी, हर दिल की धड़कन बढ़ गई थी और धोनी के शानदार 6 रन के साथ भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर। पूरे दीवाने हैं जहाँ जहाँ खेलने के मैदान है, वो किस समय कौन सा बच्चा पहुँचेगा कहाँ पर, मेरे तो नॉलेज में रहता है और मुझको उम्मीद भी रहती है कि यहाँ पर आज मिल जाएगा, थोड़ी देर मेरे को धमा भी दे देगा तो फायदा मिल जाता है उसको, तो अच्छा रहता है। He is able to walk, he has the right stamina, intellectually he is very high,
He knows what he's doing. He understands plants. He understands technology. If we talk about spirituality, he is caring. He is loving. He has no remorse. He has no complaints. If we talk about the psychological aspect, emotional aspect, he's happy, he's peaceful, he's content, he doesn't want anything else. It is only the social aspect in his personality which is not developed at all. So when that aspect is not developed at all, how could he have been an achiever? So definitely he's not a complete personality, and that is the lack in his personality. But then what else could have been responsible? Normally, if you lack something, then it is your school, it is your educational organization and institutes that help you to develop that aspect, or it is your family, or it is the family's love, or it is the mirroring of self where you see that you lack this thing and you develop, but nothing has happened and it's too late. बैतूल में बहुत सारी ट्रॉफीज होती रहती हैं गांव-गांव में, तो कभी उनको कोई साधन मिल जाता है तो पहुंच जाते हैं, नहीं मिलता है तो पैदल पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे ने जिसको वो सिखा रहे हैं क्रिकेट, वो उसने वहाँ खेलना है ये इनको पता है और 11 बजे से मैच है, ये पैदल जाएं, किसी से हेल्प लेके जाएं, लेकिन ये 11 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। उसको क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, वो चाहे या ना चाहे उसकी हेल्प करेंगे। काफ़ी उम्र के होने के बावजूद उनके उनके मन में बच्चों के प्रति इतना लगाव है कि वो यहाँ पर आके हर बच्चे को खेल के गुर सिखाते हैं। सब बच्चों की टीम बना के क्रिकेट सिखाते हैं, गेंद कैसे फेंकना है, कैसे गेम खेलना है, ये सारी बातें बच्चों को समय समय पे आकर वो सिखाते हैं। और इतनी उम्र के होने के बावजूद हमारे अवस्थी सर जी, अगर उनके पास कोई साधन नहीं है तो इतनी उम्र होने के बावजूद वो पैदल आ जाते हैं यहाँ पे और बहुत मेहनत करते हैं। हमारे इस तरह से ये बिल्कुल सही है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके मन में जो बच्चों के प्रति लगाव है, ऐसा लगाव अगर हर व्यक्ति या हर टीचर के मन में हो जाए तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो वो आज मेहनत कर रहे हैं, लोग वो क्या होता है जैसे वो जाते हैं, लोग बाग देखते हैं कि ये सर बार बार आते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते क्यों आ रहे हैं, लेकिन उन वो जो आते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आते, बच्चों को सिखाने आते हैं। और हम टीचरों से आग्रह करके बच्चों को जमा करके बहुत अच्छे अच्छे खेल के गुर सिखाते हैं। हमारी आंखों से हमने देखा सर कि बच्चों को क्रिकेट खेलना है, कैसे गेंद डालना है, कैसे करना है, और बहुत मेहनत करते हैं कि ये गांव में ग्राउंड बने, बच्चे अच्छे खिलाड़ी बने, और समय समय पे आके सर जी बहुत मदद करते हैं बच्चों की। और जैसा है कि पंजीकरण संस्था है हमारी जिला क्रिकेट संघ, उसका मैं एग्जीक्यूटिव, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है, और उसके अंतर्गत मैं करस्पॉन्डेंस करता हूँ, पत्राचार के माध्यम से पहले ही इसको सूचना भी दे दी जाती है। मैं यहाँ पे भ्रमण करूँगा, इस माध्यम से भ्रमण करूँगा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे खेल कूद की जानकारी है उसके लिए जो भी सुविधाएँ यहाँ पे दी जानी चाहिए उसकी जांच करूँगा, जांच के बाद जो भी लिखा करूँगा पूरी जानकारी के साथ ही उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है। मैं तो सभी तरह के बच्चों को अपने संपर्क में रखना चाहता हूँ ताकि एक दूसरे को वो गाइडलाइंस एक दूसरे को देते रहें, लेकिन जो मजबूत बच्चे होते हैं वो खुद ही अपने आप छत के बाहर आ जाते हैं, और सब एक दूसरे को जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सभी बढ़िया बन जाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, ऐसा तो बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा और भी व्यक्ति देने लग जाए अपना समय तो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे इससे। वो आते हैं, हम टीचरों से ही कहते हैं कि हमें ऐसे बच्चे दीजिए जो खेल सके, अच्छे तेज़ बच्चे जो दौड़ने में तेज़ हों, खेलने में तेज़ हों, कमज़ोर बच्चों को उनके साथ में रख के वो काफ़ी सिखाते हैं, और हमारे द्वारा ऐसे बच्चों को ग्राउंड में बाहर निकाल कर छुट्टी के समय में बच्चों को शिक्षण देते हैं। दुख तो बहुत होता है, हमको भी बहुत दुख होता है कि बेचारे देखो इतनी मेहनत करते हैं इतनी उम्र में होने के बावजूद फटे जूते, कभी पैदल आते हैं, पास में कोई कभी खाने का वो नहीं है कि कहाँ खाना खाएँ, कहाँ रुकना है, कोई बच नहीं, बस स्कूल दौरा करते हैं, जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सेवा करते हैं बच्चे। इसके बदले में कुछ पैसा वैसा मिलता है उनको यहाँ से?
सर ये पैसे वैसे का तो पता नहीं, शायद इनको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता इस बारे में, इनके बारे में कोई पैसा नहीं मिलता। और बहुत यहाँ पे कोशिश करते हैं, कागज़ लिखते हैं कलेक्टर को, ऊपर लिख के देते हैं कि इस गांव में ग्राउंड हो, बच्चा सीखे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिखाने के लिए कुछ पैसा मिलता है सर आपको? मैं मुझे खुद ही पावर है कि वे मार्केट से, व्यापारियों से और कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करने के पूरे पावर हैं। इनकम टैक्स की छूट उसमें मिलती है, जो इनकम टैक्स के रूल है 80G 12A वगैरह करके नाम से चलते हैं, जो इनकम टैक्स क्लियरेंस छूट वगैरह का सर्टिफिकेट रहता है। तो उसमें अभी संपर्क बहुत कम लोगों का है, मैं उसी के संपर्क में सभी लोगों से संपर्क करता हूँ कि आप लोग इसमें शामिल हों, क्रिकेट के माध्यम से हों, फुटबॉल में तो सभी लोग जुड़े हैं, कबड्डी में बहुत सारे जुड़े हुए हैं, मैं भी अपने कबड्डी करवाता हूँ, फुटबॉल का एसोसिएशन अलग है, तो उसमें वो परंपरागत खेल है क्रिकेट, में अभी बहुत रुचि नहीं है किसी के, आगे बढ़ने में बहुत डरते हैं बच्चे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे हम, तो ये सब सुविधाएँ मुझे जानकारी उपलब्ध करानी पड़ती है। उसी के संबंध में आज मैं फीडबैक लेके आया हूँ आप लोगों के साथ, और बच्चों को पूरी जानकारी दूंगा सामग्री के बारे में। मैदान की व्यवस्था के लिए मैंने लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते जी से पहले एक टीचर, उसके पहले मैं बहुत सारे टीचरों से मैं पहले मुलाकात हो चुकी है, और जो पंचायत में है नेता लोग उनसे भी मैंने संपर्क किया, ज़मीन के बारे में बातचीत चल रही है, शीघ्र एक बहुत बड़ी ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी ऐसी उम्मीद है। आई थिंक दैट व्हेन ही हैज़ मनी एंड ही हैज़ रिसोर्सेज, दे बिलोंग टू हिज फैमिली, आई एम श्योर इट इज़ अ फैमिली कंसर्न वेदर दे वुड अलाउ हिम टू डू समथिंग लाइक दैट, because most probably they think he's senile, they think he's crazy, and at the age where he was and when he came back to his town, most probably he thought that it was a random thought or a rebound and he would get out of this craziness. Obviously they didn't think that he's going to pursue it for his life. Obviously they didn't think that he would be 60 and he would still be doing it. Maybe they would have supported him, but for them to let the resources be with him for such a purpose, I think most of the society would not do that. हाँ, मुझे तो जैसा कन्वीनियंस रहता है, कभी साधन मिल गया तो साधन से भी आ जाता हूँ, कम से कम 20 किलोमीटर तक पैदल चलता हूँ। फिर किस तरह से लौटते हैं? लौटने का अगर साधन नहीं हुआ तो फिर पैदल जाना ही पड़ता है, उसकी जैसे भी व्यवस्था रहती है, जैसे गाँव वाले भी यहाँ से भ्रमण करते हैं उनके साथ में निकलता रहता हूँ। तो वो तो हमको अच्छा लगता है ना सर कि बच्चों को कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, अदरवाइज तो कोई और भी नहीं सिखा पा रहा ना, तो कम से कम वो अपना टाइम देते रहे यहाँ पे। लेट एंट्रेंस जो होता है, जैसे स्कूल में जैसे होशंगाबाद डिवीजन से मैं इतना पावरफुल नहीं था कि वह मैच जीत के 10 मैच जीत के आगे फाइनल में पहुँचे। प्लेयर्स की अलग और कंडीशन रहती है, डिविजन्स की कंडीशन रहती है, उनके कोच मैनेजर कैसे क्यों नहीं आगे बढ़ा पाए, ये वहाँ पर पता नहीं। अपन उस फील्ड में रहते हैं तो अपन क्या करते हैं उसमें, या हमारे सामान या कोई दूसरा जैसा बैठा है उसने केयरलेस किया या क्या लापरवाही हुई, जो भी हो उसको तो जो भी हो कंडीशन। अभी जैसे आप क्रिकेट सिखाते हैं लोगों को, तो क्या कुछ पैसा मिलता है सिखाने के लिए या फ्री में सिखाते हैं आप? नहीं, मेरे को तो जो मेरा जो जैसा मुझको नॉलेज मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि वो आपस में बांट लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसको नए खिलाड़ी को जानकारी मिल जाए, नए खिलाड़ियों को उसकी जानकारी मिल जाए और उसको फिर बांटते हैं सबको, और अच्छा रहता है। तो आप बगैर किसी चाह के, बगैर किसी पैसे की चाह के आप लोगों को सिखाते हैं, कभी किसी ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की? सभी सपोर्ट करते हैं मुझको, तो जैसे किसी को मालूम जाता है कि आप खेलकूद के संबंध में जा रहे हैं, तो किसी को मालूम नहीं होता है तो वो तो बहुत हेल्प करता है। चलो यहाँ पे खड़े होकर बताओ सबको कि मेरे को कैसे लेना आता, खुद का खुद ही देखो और खुद ही मारो अपना। अरे टोकनी बना के पकड़ना है, टोकनी बनाना सिखाया था पिछली बार आपको याद है, इसने तो टोकनी बनाना सीखा ही नहीं था। ऐसे ये अंगूठा को ऊपर करो, ऐसे अंगूठा को ऊपर करो, करके दिखाओ जरा सब अंगूठे, ऐसे बंद करना, ऐसे बंद करके ऐसे करो, ऐसे करके करो, के बजाय आपके हाथ में पकड़ के मारो इसको ऐसे, ठीक है।
एक ऐसे बंदे की जो इंडिया की क्रिकेट टीम में खेले, जिसे वो सिखाएं और वो जाके खेले। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के सपने इम्प्लीकेट होना, करना, उनको पूरा करना। हिंदुस्तान में क्रिकेट भी एक धर्म है, जहां क्रिकेट लोगों की रगों में बसता है। 1 अरब की आबादी वाले इस देश में गांव-गांव, गली-गली क्रिकेट खेला जाता है। यहां क्रिकेट जिस जुनून से खेला जाता है, उसके दुगने जुनून से देखा जाता है। क्रिकेट को कुछ लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं और कुछ उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। आजकल सुविधाओं का अभाव नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभावान खिलाड़ी आज हमें पूरे हिंदुस्तान में नजर आते हैं। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। हर आग धोनी के ऊपर थी, हर दिल की धड़कन बढ़ गई थी और धोनी के शानदार 6 रन के साथ भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। सफलता के मापदंड पे सफल मानता हूँ, सक्सेसफुल मानता हूँ। सभी लोग बोलते रहते हैं उनको कि अब बहुत दिन हो चुके हैं, अब और कितने दिन की ज़िंदगी बाकी है, थोड़े दिन। करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना आपकी, आप कुछ नहीं हैं तो इस प्रॉपर्टी का ब्याज भी बैठ के खाओगे तो बहुत चैन की ज़िंदगी जी सकते हो। कौन सी सुख सुविधा ऐसी नहीं है जिसको तुम आज नहीं हासिल कर सकते हो। व्हेन यू गिव अप ऑन सोसाइटी एंड व्हेन यू गिव अप ऑन अ लाइफस्टाइल, आई थिंक दीज थिंग्स बिकम इमटीरियल। Definitely from health and hygiene point of view, he should work on it. But he works on it at a totally different angle. And when his family talks about him and they say that he maintains the style of his clothes, even if not the cleanliness. And the clothes that they buy for him, he keeps stacking them up for a good day. And for him, a good day is going and watching a match. For him, a good day is when his children would be playing and he would wear his new clothes and he'll go and watch them and cheer them. And the kind of lifestyle that he is living right now is when he has to walk for miles and his family does not give him the resources. Maybe they could have given him a vehicle and a driver if they really cared, if they really loved him, if they really respected his passion. He does not have any remorse or any expectations from them. But then if he's a part of the family and if they actually supported him, which he feels they actually do, then they could have done a much better job. Cricket ke bare mein yehi sochta hu ki systematic education uske liye, jaise maine bhi socha ki main apna khud ka institute dal lu aur dusron ke institute mein jaake main unko padhaun to wo log bad feeling bhi paida ho jati hai ki are yaar zyada hoshiyar mil raha hai hamare school mein. ऐसा मैंने अनुभव किया तो फिर मैंने अपना खुद का एजुकेशन सोसाइटी वगैरह इंस्टीट्यूशन डालने की सोचा, ताकि मैं एक सिस्टमेटिक एजुकेशन देकर वो क्रिकेट की जो ज़रूरतें रहती हैं वो पूरी कर लूँ। तो बच्चों को अलग से कुछ फंड्स वगैरह के UGC जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए भी लेकिन उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उनके साथ मिलकर बैठ के बात करो तो भी नहीं मिला। The generation of today doesn't need to live dual lives. You know, that is another problem with Mr. Awasthi, I'm sure.
because the previous generations were living two lives. One was for themselves and one was for the society. Because if they were not accepted socially, even for small things like talking to a girl, having a girlfriend, going out to drink, they had to lie. And they had to be the good, social, obedient boy in the family. And the generations of today, they are accepted as they are by their parents, by their teachers, by their schools, by their organizations, and they are respected for what they are. So they can become high achievers because they do not waste their energy in leading dual lives. But here, his brother said that maybe he had a girlfriend and who rejected him, and that is the reason why he came back from Indore. So the duality of life or the hurt, maybe or maybe not, we are not so sure about that, and the hurt that he felt made him a social recluse. He is a recluse even presently, and he's living a life of a recluse, and he is not socially accepted for what he has. So what we have to learn from him is that to be a complete man, to be a complete person, or to be a complete woman, you need to have it all. Follow your passion, be happy, be content, and yet be social achievers as well. So we can learn the aspect of personal aspirations, pursuing them without expectations from others, trying to do your best in what you believe in, trying to be true to yourself in spite of all the opposition that you have. Yes, definitely, that perseverance and that patience is the highlight of learning from his life. And what not to learn from his life is, you need to be smarter, you need to be cleverer, you can't be that innocent, you can't be that naive, and stay in society. Unki zindagi to bahut achhi ban sakti thi, par wo jo chahte the us tarike se unko cooperation nahi mila. Sab kuch hone ke bawajood bhi उसके उतने प्लेयर्स भी उतने जिनका स्ट्रांग नहीं हुए, उनकी जो कमेटी बनाना चाहते थे वो कमेटी नहीं तैयार हुई, तो वो डिप्रेशन जैसे डिप्रेशन के टाइप में होते चले गए कि यार चल रहा है, चलो है लड़के मतलब आ कोई नहीं रहा, फिर भी सोचते थे कि नहीं आएंगे तो कोई नहीं, तो दूसरे लड़कों को ले, ऐसे करते करते उन्होंने अपना जीवन उसी में निकाल दिया कि नहीं यार आज नहीं कल बन जाएगी, आज नहीं कल बन जाएगी और बना के मैं आगे जाऊँगा, वो यही सोचते सोचते प्लानिंग ही करके रहे, तो आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस घूमते फिरते हैं और जहाँ जहाँ कुछ होता रहता है तो देखते रहते हैं, उसके बारे में लिखते रहेंगे और उठा के बंद कर अपने को बताते रहते हैं कि नहीं अभी वो बनने वाला है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये लिख के दिया हूँ, वहाँ से हट आ जाएगा वो सब आने वाला, मेरे को बुला रहे हैं इंटरव्यू में, मैं जाने वाला हूँ, ताकि अपने आप को ये बताते रहे, शो करते रहे कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ भले ही कुछ नहीं करें। कभी आपको दुख होता है कि आपने अपनी एक एज का बड़ा लंबा हिस्सा क्रिकेट को दे दिया और आपने खुद कुछ कभी नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक रूटीन वर्क रहते हैं कि आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपके पास गेन है तो आप उसका एजुकेशन उसका ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए। मैं तो बल्कि और घबरा जाता हूँ कभी कभी कि यार कि ये खेल रहा है और इसको नहीं मिलेगा तो मेरे लिए बाद में बोलेगा कि आप सर ये तो चीज़ आपने बताई नहीं मुझको। उस जैसे आदमी को इतना ज्ञान है, वो कहता है कि अवार्ड्स उनको देने चाहिए जो दास्तानें बनाते हैं, अवार्ड्स उनको देने चाहिए जो पैड्स बनाते हैं, जो बैट्स बनाते हैं, जो बॉल्स बनाते हैं, जो पिच बनाते हैं, जो स्टम्प्स बनाते हैं, उनको अवार्ड्स मिलने चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी को इतना वो कर देते हैं, एक खिलाड़ी को इतना आरामदायक महसूस कराते हैं कि वो एक लंबी पारी खेल पाता है, एक अच्छी पारी खेल पाता है, उसको तकलीफ़ नहीं होती। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। आप इसे बेवकूफ़ी कह सकते हैं लेकिन ये उस बंदे का जुनून है, वो अभी तक हारा नहीं है और वो हारना नहीं चाहता। ये ठीक उस सैनिक की तरह है जो युद्ध में घायल हो चुका है, जिसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके हाथ जवाब दे चुके हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन दिल जिंदा है, जो कहता है कि मैं लड़ूंगा, मेरे प्राण जाने तक मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं, इसलिए मैं हारा भी नहीं हूं।
जो हारता है वो मर जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं, मरा हुआ इंसान और हारा हुआ इंसान एक ही है, एक ही जैसा होता है, कोई फर्क नहीं है एक मरे हुए इंसान में और एक हारे हुए इंसान में। There is a quote which says, "The genius and fools seldom differ." इन चार पांच दिनों में जब उनकी जिंदगी को इतने करीब से देखा है, हमें लगा ये कोई संत है, ये कोई फकीर है, ये कोई महात्मा है, क्रिकेट का महात्मा, असली लीजेंड। जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है आज, उसका रिजल्ट या कम से कम उसको 3 महीने का बेनिफिट मिल ही जाता है, वो चाहे उस दौरान वो लूज भी कर रहा हो तो भी बेनिफिट मिल जाता है। तो वो जो बेनिफिट मिलता है उससे क्रिकेट को बहुत हानि होती है, क्योंकि उस पीरियड में उसका जो कमज़ोर होना है वो क्रिकेट को ख़त्म कर देता है, वो चीज़ को देखना कोई पसंद नहीं करता। कोई भी अच्छा खिलाड़ी हो या खेलने वाला या अंपायर भी हो या कराने वाला, हर कोई इसको फील करता है। मैं खुद फील करता हूँ कि ये खिलाड़ी कमज़ोर क्यों है। तो उसका बैकग्राउंड जो रहता है, वो बैकग्राउंड में जैसे कि आज इसने परफॉर्म करके 100 रन बनाया, लेकिन वो फिर 1 महीने की या 10 दिन बाद मैच खेल रहा था, उसमें रन नहीं बना पा रहा है। तो ये हर सबकी खिलाड़ी सबके दिमाग में रहता है कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो उसी को मैंने सुधारने की कोशिश कर रहा है। और वो जल्दी आ जाएगा या कैसे उसको सुधारेंगे, वो उसके लिए जो नए रूल्स होंगे वो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होना एकदम से सामने आ जाएगा। जैसे कुछ चाहते हैं जो कि कुछ अंपायर में सेंचुरी बना देते हैं, कभी कभी कुछ होता है, 1-2 आउट नहीं 2-2 बैट्समैन सेंचुरी बना देता है कमज़ोर खिलाड़ी होने के बाद में। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए क्रिकेट से, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस वाली है, बहुत फ़ायदा उठाते हैं खिलाड़ी अंपायर का भी। छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है, रॉयल्टी जो उसको बोलते हैं खिलाड़ी, ये गेम रॉयल का गेम है, वो रॉयल्टी ख़त्म हो गई बिल्कुल, उस रॉयल्टी को पिकअप होना बहुत ज़रूरी है। जो खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाते हैं वो लोग सेंचुरी बना जाते हैं 2-3 1 आउट नहीं होने का, ऐसा होता है। क्रिकेट में ख़त्म होना चाहिए, एकदम सुपरमैन जो होना चाहिए वो सुपरमैन होता है। जैसे बॉक्सिंग में 2 कॉम्पिटिशन हो रहा है, कोई ना कोई एक ही जीतता है तो वही सुपरमैन कहलाता है, वैसे क्रिकेट में भी होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ क्रिकेट वही है, इसलिए आपने वो नया वर्जन जो तैयार हुआ उसका बहुत सारे रूल्स इसी को फॉलो करते हैं और वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। उसको समझने में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की चीज़ है, उसको हर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे को नुकसान भी है और वो स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे कि आज का परफॉर्मेंस है तो सिर्फ कल खेलो, कल जो परफॉर्मेंस करोगे उसके अगर 0 जा रहा होगा तो उस पर आपको 10 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, बाहर बैठोगे आप 10 दिन, जब तक आपका नया परफॉर्मेंस उसको काउंट नहीं करेगा। जब जिस दिन आप नया परफॉर्मेंस काउंट करोगे तो तुरंत उस दिन खेलो, ये अच्छी चीज़ ज़्यादा उसमें क्रिकेट ही और सोचेगा, सभी अच्छे कंटिन्यूशन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, लूज होकर बैठेंगे नहीं या घर में घूमेंगे नहीं या कहीं मस्ती नहीं करेंगे कि बोले आज हमने सेंचुरी मार दी तो 1 महीने की छुट्टी हो गई, अगले टूर्नामेंट तक 4-5 टूर्नामेंट सीरीज मिल ही जाएगी हमको, वो चीज़ ख़त्म होना चाहिए। इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। हाँ, उसी से स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी कि हम फॉलो अप करेंगे उसको, कि हमको परफॉर्मेंस कंटिन्यूस बना के रखना है। और उसको पता भी रहना चाहिए कि आज मैं कमज़ोर हो गया हूँ तो उसके कुछ कारण है, तो वो कारण पता होना चाहिए उसको कि मैं आज कमज़ोर हुआ तो किस कारण से हुआ, कौन ने मुझको कमज़ोर करा, पिच ने मुझे कमज़ोर करा, मैदान ने कमज़ोर करा, खिलाड़ी ने कमज़ोर करा या मैं खुद। आई डोंट थिंक एनी, इफ नथिंग हैज स्टॉप्ड हिम टिल नाउ, हाउ कैन यू आस्क हिम टू स्टॉप नाउ, एंड ही वुड नॉट बी हिमसेल्फ इफ यू स्टॉप हिम नाउ। आई मीन यू लुक एट हिज फेस, ही इज सो पीसफुल, यू लुक एट हिज आईज, ही इज हैप्पी, ही इज कंटेंट, ही डजंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। आई लव्ड when his sister-in-law was talking about that how she gave him a Tupperware tiffin and in which she used to send food for him, and the next day she says, I'll not give you food because you haven't sent my tiffin back, and she saw that the dogs he had rescued and saved were having milk in that tiffin. So he's a very spiritual person, and he thought that was a more useful way of using that splendid tiffin. I love him for that actually. And even when the mattress in which he used to sleep in, and he had given them to a litter of puppies to be more comfortable in, I think that's brilliant, that's beautiful. How many people can do that? And he was sleeping on the dari instead. So that's Mr. Awasthi for you. And he doesn't mind eating out of the polythene,
He doesn't mind staying without food, but he did what he wanted to and he's happier. انسانی زندگی ہمیں ملی ہے, انسانی زندگی ملی ہے تو ہمیں اپنے اس جیون میں, اس دنیا میں کہیں اپنا نام لکھ کر جانا ہے. میری نظر میں ناگیش اوستھی جی وہ نام لکھ چکے. They can and they could have, even his family could have. Now on record, when they are talking to you, they're talking about, they're trying their best, what, sending them a meal, sending him a meal, giving him new clothes on a wedding. That's not support. Maybe that's, they are doing out of just social pressure that they have to look after a family member. He doesn't have complaints against them. They could have done better. The society could have done better. The schools could have done better. The administration of that city could have done better. Definitely. He is a lost soul. आप अपने जीवन में एक कैरियर को चुनते हैं. उस कैरियर में आप कुछ दिन तक नहीं चलते हैं. और नहीं चलने के बाद या तो आप प्रोफेशन बदल लेते हैं, या कई लोगों को मैंने देखा है वो फांसी पे लटक जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं. कायर होते हैं वो जो जहर खाते हैं. अपने टारगेट पे बने रहना, अपने जुनून को बनाए रखना आसान नहीं है. ठीक है, उनके कुछ डिसीजंस गलत हुए. उनका बैतूल में आना, बैतूल में आके लोगों को सिखाना गलत है. छोटे शहर के लोग नहीं जानते उनके इम्पोर्टेंस को. छोटे शहर के लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्या मिल गया था. और छोटे शहर को ये नहीं पता था कि उस आदमी के ज़रिए कई लोग बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़े मकाम तक पहुंच सकते थे. What is responsible for his failure is that he lacks it in his own personality to achieve it. He lacked it from his family, he lacked it from society and from the circumstances that he was in. तो बार तक तो जा सकते हैं ये, भले ही मध्य प्रदेश टीम के लिए करें, पर करने की अभी भी इच्छा है इनकी, क्योंकि इनके जो हमारे मामा के भी जो बच्चे हैं वो लोग भी माधवराव सिंधिया से जुड़े हुए हैं इंदौर में, और इनको भी चांस देने की कोशिश करते हैं. पर इनका जो रहने का ढंग है, बोलने का, अभी जिस तरीके से ये हाई फाई सोसाइटी से मैं नहीं करे हैं इन्होंने, मतलब मिलने जुलने का काम, ये सोचते हैं कि नहीं मैं टीम बनाकर अच्छा ना उसमें जाऊं और लोगों से मिलूं. पर टीम तैयार हो तब ना, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव है खेल, बैट बॉल पूरा किट हर बच्चे के पास में अवेलेबल होना करना मुश्किल है. मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा से प्लेयर हम लोगों ने या शायद इंडिया ने खोया है ये कह सकती हूँ. चाहते थे वो काफ़ी आगे जा सकते थे. आज शायद मैं बहुत बड़ी बात शायद बोल दूँ, बट गवास्कर वगैरह के साथ में उनको देखना चाहती हूँ. हो सकते थे वो उनमें से एक. वो हकदार है, उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा सिस्टम करप्ट है. यहाँ पे बुराइयाँ बहुत हैं और उस जैसा इंसान इन सब चीज़ों का आदि नहीं था. वो किसी की शिकायत करना नहीं जानता, उसे किसी की शिकायत नहीं करनी, तो उसका हक उसे मिलना चाहिए. और खेलों से ये गंदी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए. ये एरिया की राजनीति क्रिकेट के प्रति, गेम्स के प्रति, किसी भी गेम को लेकर बंद होनी चाहिए. असली हकदार को मौका मिलना चाहिए, असली टैलेंट को वो जगह मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है. मैं आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ कर रहा हूँ उसका मुझे अफसोस नहीं है. मेरी हर सुबह नई उम्मीद की तलाश में शुरू होती है. मुझे इस कार्य में सफलता हासिल होगी. मैं हारा नहीं हूँ, न हारूँगा कभी.
Thank you.